नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि अगर आप भी जो राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2024 के लिए आवेदन कर रहे हो और आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने के अंदर दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार से क्या क्या फॉर्मेट आपको यहाँ पे करने होंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो फोटो है उसकी डिटेल्स बता देता हूँ कि किस प्रकार से होनी चाहिए फोटो आपके। यहाँ पे आपको यहाँ पे फोटो का सैंपल दिखा रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 80% आपका यहाँ पे जो फेस है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए। आपको इसी तरह की दूसरी फोटो दिखा देता हूँ, ये फोटो देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपका यहाँ पे फेस बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए और यहाँ पे जो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर ऐसी फोटो अपलोड करोगे तो कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी, बट थोड़ी जो रिसाइजिंग में प्रॉब्लम आ रही है उसका हम सॉल्यूशन देख लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे कोई फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए अब ये हमारी फोटो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आपको स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाती है तो आपको कोई समस्या नहीं है, अगर आपकी फोटो अपलोड ना हो तो आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, इसको पेंट के अंदर आपको ओपन कर लेना है, ओपन विथ यहाँ पे देखिए पेंट, ठीक है, ओपन विथ पेंट के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर रिसाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको पिक्सल पे क्लिक करना है, पिक्सल में आपको यहाँ पे 302 और 370 आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके यहाँ पे फिल नहीं होता है तो आपको यहाँ पे ये यह चेकमार्क हटाना है और यहाँ पे 302 × 370 आपको यहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। अगर इसके द्वारा आपका यहाँ पे ना अपलोड हो फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा RIOET, ठीक है, यहाँ पे ये ऐप डाउनलोड करना होगा। अब इसके अंदर वही फोटो आपको यहाँ पे ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पे आप इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसके जो पिक्सेल है वो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक एरो का निशान हम दिखा रहे हैं, वहां पे एरो के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आप 302 × 370 आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और आपके यहाँ पे साइज है वो आप यहाँ पे 10 KB से 200 KB के बीच में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेव ऑलरेडी पे क्लिक करके हम वापस से अपलोड करके दिखाते हैं, वो अपलोड आसानी से हो जाएगी, देखिएगा। हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, स्टार अपलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाती है। इसी तरह आपको सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अब इसी तरह आपको यहाँ पे जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो PDF के अंदर होगा, जो 50 KB से 300 KB के बीच में अपलोड होगा। तो हमारे यहाँ पे देखिए 50 KB से 300 KB के बीच में अपलोड होगा, तो आपको क्या करना है, अगर आपकी जो PDF साइज है अगर ज्यादा है तो उसको कम कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टू PDF ये आपको यहाँ पे लगाना होगा, onlinetopdf.com पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी फाइल आपकी वो सिलेक्ट कर लेना है आपको, जैसे हम यहाँ पे ये फाइल है ये सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारी 2.2 MB की है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो क्वालिटी है इसके अंदर आपको 4 कर लेना है, 150 DPI पे रहने देना है और आपको यहाँ पे कन्वर्टन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कुछ देर वेट करना होगा। अब वेट करोगे तो यहाँ पे आपकी जो फाइल है ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे फाइल देखिए 328 KB की यहाँ पे रह जाती है, हम आपको केवल डेमो के तौर पे आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अब हमने यहाँ पे वही फाइल आपको अपलोड करके शो कर दी है। अब इस तरह से अगर इसमें भी कोई समस्या आती है तो आप हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं उस पर क्लिक करके, ठीक है, अगर इस तरह से आपको कोई भी अन्य प्रकार की कोई समस्या हो तो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।